अपनी शॉपिंग के लिए। जो थोड़ा शॉपिंग बची है हम लोगों की, तो हम लोग आज जो फाइनल जो भी है बच्चा कुछ सामान वो सब लोग लेने जा रहे हैं। तो घाटकोपर के भी मार्केट बहुत अच्छी है, तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर भी दिखाएंगे आपको कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिल रही है। जो भी बचा है आज हम लोग सब फिनिश कर देंगे, फाइनल करके ही हम लोग को आना है वापस, क्योंकि ईद के लिए बस 2 दिन ही बचे हैं, ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, तो आज सब खत्म करके हमें वापस आना है। तो चलिए मार्केट में मैं दिखाती हूँ आपको, वहाँ पे घाटकोपर की मार्केट कितनी अच्छी है। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे पर्स की शॉप पे। तो यहाँ पे मुझे कोई इतना खास कलेक्शन अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं मोस्टली जो है वो हम लोग लेते हैं बांद्रा से। और तो फिर भी मुझे शॉप दिखी, तो मुझे एक स्लिंग बैग चाहिए था, तो देखा मैंने, लेकिन मुझे ऐसा कुछ समझ में आया नहीं, बस ठीक है ओके था। इतना कोई खास कलेक्शन मुझे यहाँ पर नहीं लग रहा था, तो यहाँ से मैंने कोई भी पर्स नहीं लिया। और बस थोड़ा से कुछ ऐसा न्यू मुझे दिखा नहीं इसमें, सारे जो है ना वो पुराने मॉडल वाले ही पर्स मुझे दिख रहे थे। यहाँ पे ऐसा कुछ खास दिखा नहीं मुझे। भाई क्या है इसका? 750 का। 750 पूरा पूरा सेट का है, पूरा सेट 750। दाम का तो आप देखो तो सही है। 500 में दोगे? 550 का है आप जो 550। चलो तुम मुस्कुरा देंगे तो 50 भी कम कर देंगे। हाँ कितना क्यूट लग रहा है ये तभी भी मेरे को मना की थी। स्टार्ट है ना को आएगा नहीं आएगा, नहीं डबल एक्सेल है आ जाएगा इसके लिए देते हैं। तू अपने पतले बन का फायदा उठाया इनर भी है इसके अंदर अलग है। हाँ अरे वाह तेरी तो लड़ी है। हाँ और मैंने लिया ये लास्ट टाइम हमने कहा 4 दिन पहले था। तो 5 फिर हम लोग आ गए थे आयत और किरत के लिए यहाँ पे शूज़ लेने के लिए। और यहाँ पे भी चप्पलें बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, मुझे तो अच्छा लगा यहाँ पे। और फिर आयत के लिए भी यहाँ से शूज़ लिया बाजी ने, और किरत के लिए भी लिया। अच्छे कलेक्शन है, क्योंकि ईद का मौका है तो सभी के पास बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तो अच्छा लग रहा है। सब खरीद भी रहे हैं काफ़ी, और बहुत ही अच्छी अच्छी न्यू चीज़ें भी दिखने मिल रही थी। तो यहाँ से मैंने भी एक अपनी ली, एक स्लीपर लिया, और एक अच्छा सा मैंने पार्टी वेयर के लिए ऐसा सैंडल टाइप लिया, वो भी अच्छा लगा मुझे। तो शूज़ मुझे नहीं अच्छे लग रहे थे यहाँ से, तो इस शूज़ मैंने नहीं लिया, उसके लिए मैं बांद्रा जाऊँगी। और ये वाइट वाला ये मुझे अच्छा लग रहा था, तो ये मैंने ले लिया, बहुत ही प्यारी थी, ये मेरे ड्रेस से मैच हो रही थी, तो इसलिए मैंने ये वाली चप्पल लिया। बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही मतलब नई, बिल्कुल जरी का वर्क था इसके ऊपर, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो मैंने ये ले लिया था। और भी देखिए सब न्यू टाइप्स के चप्पल हैं। जो बांद्रा में जो चीज़ें दिखती है ना, खैर वैसी चीज़ें तो मुझे कहीं नहीं दिखती हैं। और एक ये शूज़, ये चप्पल ना, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, लेकिन क्योंकि वाइट मैंने बहुत सारी चीज़ें मेरे पास हो चुकी है, बहुत सारी सैंडल्स मैंने ले ली हैं, कलेक्शन हो गया है मेरे पास, तो इसलिए फिर मैंने नहीं लिया। मैंने क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक ख़रीद लिया था यहाँ से, तो ये चीज़ मैंने नहीं ली। बाद में सोचा मैंने कि ये भी मुझे ले लेना चाहिए था। कॉटन है, कॉटन रियॉन कॉटन है। और फिर हम आ गए थे यहाँ पे, हमें लेना था टी शर्ट्स और कुछ कुर्तियाँ भी लेनी थी, तो नाइट सूट्स लेने थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे चेक किया तो ठीक ठाक था, यहाँ से अच्छा लगा, ले लिया। जो एक दो टी शर्ट्स लिया, पैजामे लिए नाइट सूट के लिए। और फिर यहाँ पे मुझे ना ये दुपट्टे दिख गए, बहुत ज़्यादा अच्छे थे, वाइट कलर का था ना ये, आप इतने अच्छे थे, जरी के दुपट्टे, जरी का वर्क था इसके ऊपर, नेट के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। और एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी यहाँ पे, ज्वेलरीज तो बहुत ही अच्छी थी, इतने अच्छे अच्छे कलेक्शन थे ना, आप देख रहे हो कि इसमें हर कलर के आपको इयररिंग्स मिल रहे थे। और ये सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ में थे, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में था, ये सिर्फ 100 रुपीज़ के थे। और इससे हैवी रेंज वाले भी थे, बट ये देख रहे हैं आप, ये जो सब मैं दिखा रही हूँ आपको, ये सिर्फ 100 रुपीज़ के थे। तो यहाँ से हम लोग ने ज्वेलरीज तो बहुत ज़्यादा, बहुत सारी ले लिए थे हम लोगों ने, बहुत सारा, क्योंकि बहुत ही प्यारी दिख रही थी और इतनी न्यू न्यू वैरायटी थी ना, क्योंकि ईद का टाइम है। तो यहाँ पे ज्वेलरीज भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आई थी। और आप लोग ना यहाँ पे घाटकोपर से अगर आपको परचेस करना है तो आप ज्वेलरीज यहाँ पे परचेस करिए, बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी। और एक ये भी मैंने लिया था, और ये देखिए कितनी हैवी कान की ये इयररिंग्स है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। और इसके प्राइस थोड़ा सा हाई थे, ये बहुत ज़्यादा हाई नहीं, बस ओनली 300s में थे ये, 200s एंड 300। तो बहुत ही अच्छी थी, बट बहुत ही प्यारी थी, पार्टी वेयर थी, आप ईद में भी इसे पहन सकते हैं। और इसका कलर तो आपको हर कलर में मिल जाएगा, आपको इसमें जो भी कलर आपको चाहिए ना, उनके पास सारे कलर अवेलेबल थे। और ऐसे बड़े बड़े से ये चोकर्स वगैरह भी थे, बट ये मुझे चाहिए नहीं थे, मुझे कान की इयररिंग्स बहुत प्यारी लग रही थी। तो मैंने यहाँ से, मैंने और हम लोग जो भी 4-5 गए थे ना, हम लोगों ने सब ने यहाँ से इयररिंग्स खरीदे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। और ये कलर, आपको जो भी कलर चाहिए सारे कलर यहाँ पे अवेलेबल थे, मल्टी कलर में, और जो भी कलर आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, कितनी प्यारी प्यारी। और इसमें मुझे 2-4 इयररिंग्स ना बिल्कुल न्यू लगी मेरे को, वहाँ की डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मुझे अभी तक मुझे नहीं दिखी थी। तो यहाँ से आप आके ना परचेज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी शॉप है ये। और आप यहाँ पे भी आइए, विज़िट करिए यहाँ पे, और यहाँ से ज्वेलरीज परचेज़ करिए, बहुत ही प्यारी प्यारी ज्वेलरीज है इनके पास। बहुत ज़्यादा, तो अब हम लोग जा रहे हैं घर, जाएंगे रेस्ट करेंगे, खाएंगे। तो अब वीडियो को करती हूँ मैं यहाँ पे एंड। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।